हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई की क्लासेस शुरू हो चुकी है। सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम शुरू हो चुका है, नहीं? तो बोर्ड के एग्जाम में स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स डरे रहते हैं कि क्या होगा पता नहीं। स्पेशली 10th क्लास के बच्चे डरे रहते हैं क्योंकि उनका पहला बोर्ड क्लास होता है, फर्स्ट टाइम वो बोर्ड में आके हो रहे हो। 12th क्लास के बच्चे पहली बार 10th में आकर हो चुके होते हैं, इसीलिए उन्हें उतना डर नहीं लगता, डर उन्हें भी होता है, ठीक है। अब ये जो डर है हमारा एग्जाम की वजह से, जो डर हो रहा है, ये डर है क्या? तो सबसे पहले आप ये समझो एग्जाम क्या है। एग्जाम क्या है? आपको एक टारगेट फिक्स कर दिया, इतना आपको पढ़ना है और उसी में से हमने पूछना है। भाई साहब, जब आपको पहले ही दे दिया हमने इतना ही है, उससे बाहर कुछ पूछना ही नहीं है, तो फिर आपको डर क्यों लग रहा है? सबसे पहले अपने आप को यह देखना है कि आखिर हमारी कमी क्या है, ठीक। और एग्जाम के टाइम पे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हमें हम जितना है वही सही है। हर चीज अपने आप में 100% होता है। आप अभी जो कुछ भी हो अपने आप में 100% हो, ठीक है। अब उस 100% अपने आप को 100% बनाने के लिए आप अपने आप को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करके अपना परसेंटेज और इंक्रीज कर सकते हो। आप अपने आप में 100% हो, इट डजंट मीन दैट आप 100% लाने के लायक हो, ठीक है। अगर हम 33% लाने के लायक हैं तो वही हमारा 100% है, क्योंकि तो मैं वही हूं, जो हूं वो हूं, बदल नहीं सकते हैं। अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको डरना नहीं है और इस बात से एकदम बेफिक्र रहिए हमेशा कि किसी की सोच क्या है। अगर हमें 33% आते हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे, हमारे भैया क्या कहेंगे, हमारे फ्रेंड्स क्या कहेंगे? सबसे पहले इस बात को दिमाग से निकाल दें। जब तक आपके दिमाग में यह बातें बैठी रहेगी, आपका एग्जाम कभी अच्छा नहीं हो सकता, आप कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक। दूसरी बात है, एग्जाम में जाने से पहले आप ये देख लो कि हम कहां हैं और किस सब्जेक्ट में बैठे हैं। एग्जाम सेंटर में आप बैठे हो, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, एग्जाम दे रहे हो और आपके दिमाग में चल रहा है, अच्छा रोहित को अच्छा मार्क्स आने वाला है, मैं उससे पीछे हो जाऊंगा। आप वो सोचोगे तो लिखोगे कब? नहीं, आपको जितना आता है आप उसको लिखो। इसमें कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं कि उसको ज्यादा आ जाएगा। डू योर बेस्ट, डोंट थिंक अबाउट द बेस्ट, यू विल बी द बेस्ट। हमेशा अपने आप का सबसे अच्छा देना है। अब हमने जो पढ़ा उसी में से लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए कभी परेशान नहीं होना, हमेशा अपना अच्छा लिखना है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना है। अब इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, एग्जांपल है। आज से लगभग 3-4 साल पहले की बात है, एक स्टूडेंट 12th के रिजल्ट के बाद सुसाइड कर लेता है, ठीक है। न्यूज़पेपर में ये न्यूज आई थी और ये घटनाएं हर साल होती है। सुसाइड क्यों किया था पता है? क्योंकि उसको 96% मार्क्स आए थे, 96% आए थे और उस स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। क्या अगर आपको 96% आएंगे तो क्या आप क्या करोगे? पार्टी करोगे या आप ही सुसाइड करोगे? नहीं, हमने उसने गोल सेट किया था अपना 98% या 99% जो कुछ भी हो। वो जनरली अपने स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड से बोला करता था कि भाई मेरे तो 98% आएंगे, ठीक है। अपने पेरेंट्स को उसने प्रॉमिस कर रखा था कि 98% लाऊंगा, लेकिन उसने रिजल्ट में 96% आ गए। दैट वाज द रीजन ऑफ सुसाइड। क्या ये सही है? आप सोचो ये फ्रेंड्स, यहां पे आपको सोचने की जरूरत है कि अगर 96% ही आ रहे, 98% हमने सोचा था, 96% आ रहे, तो कहां कमी है? 2% कम आ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम इसको मैनेज कर देंगे। इस 2% कम आने से हमारी जिंदगी रुक नहीं जाती है,
1% कम या 1% ज्यादा आना, ये कोई हमारी लाइफ का एंड पॉइंट नहीं है। बोर्ड क्लास, बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम का रिजल्ट हमारी लाइफ को फिक्स नहीं करता है। आपने ऐसा भी एग्जाम्पल देखा होगा, जो फेलियर होते हैं वो भी सक्सेस होते हैं, ठीक है? नहीं, आपने श्री रामानुजन साहब का नाम सुना होगा, नहीं? वो मैथमेटिक्स में अच्छा करते थे, बाकी के सब्जेक्ट्स में वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं, ठीक है? जिसकी वजह से उन्हें स्कूल में बहुत कुछ सुनना पड़ता था, स्कूल से उन्हें निकाल दिया गया था। उनकी स्टोरी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी। बिल गेट्स की बात देख लो, नहीं? तो इन सब एग्जाम्पल से आपको क्या सीखना है कि एक एग्जाम का रिजल्ट हमारे लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है? ये लाइफ एक गेम है, एक स्टेज है, ठीक है? एक और हम लोग क्या है, हम लोग एक्टर है, ठीक है? हम लोग सिर्फ एक्टिंग करते हैं। अब ये एक्टिंग करने के लिए हमें कोई ना कोई डायरेक्शन देगा ना, नहीं? तो डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर कौन है? वो टाइम है, वो टाइम है जो हमें डायरेक्ट करता है हमें करना क्या चाहिए। अब हर टाइम पे, हर सिचुएशन हमें डिसाइड करना होता है कि हमें करना क्या, ठीक है? अभी आप क्लास 10th में हो, अभी बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हो, क्लास 12th में जाओगे, बोर्ड के एग्जाम दोगे, उसके बाद कॉलेज में जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे, यूनिवर्सिटी एग्जाम दोगे, नहीं? ऐसा नहीं है कि आप स्टूडेंट्स हो तो हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में आगे बढ़ना है ना? ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, एग्जाम देना है। एग्जाम क्यों देना है? बिकॉज आपको डिग्री चाहिए, ठीक है? आपको नॉलेज चाहिए, और पूरी साल आपने क्या पढ़ा उसका असेसमेंट हमें लास्ट में चाहिए कि हमने जो पूरी पढ़ाई करी, पूरे साल जो पढ़ाई करी, वो हमें लास्ट में अब आउटपुट चाहिए, नहीं? इसके लिए एक और एग्जाम्पल देता हूं। आप सुबह बैठते हो, सुबह 6 बजे आप कंप्यूटर पे बैठते हो, वर्ड में एमएस वर्ड आपने ओपन किया और टाइप करना शुरू किया, ठीक है? शाम को आपके पेरेंट्स पूछते हैं, बेटे क्या कर रहे हो? तो आप कहते हो, पापा टाइप कर रहे थे, ठीक है? आपने पापा को कहा टाइप कर रहे थे, तो क्या टाइप किया? ठीक है पापा, दिखाता हूं। और जब तक आप दिखाने की कोशिश करते हो तब तक लाइट चली जाती है और आपने सेव नहीं किया, ठीक है? आपका यूपीएस बैकअप नहीं देता। व्हाट विल हैपन? जस्ट थिंक, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। समझ में आ रही बात? कुछ भी नहीं बचेगा। आपने पूरे दिन मेहनत किया, आपको इतना गुस्सा आएगा उस टाइम कि आप सोचोगे कंप्यूटर को तोड़ दे, नहीं? लाइट को ये हो गया, क्यों इसी टाइम लाइट गई? अपने आप को ये नहीं कहोगे हमने टाइप करके सेव क्यों नहीं किया? अपनी गलती आपको फील ही नहीं होगी उस टाइम। उस टाइम ये गलती फील होगी कि लाइट क्यों चली गई, ठीक है? तो उस समय अपने आप में बहुत गुस्सा आता है। इसका रीजन क्या था? हमने सेव नहीं किया। और मेन रीजन क्या था? कि हमने इनपुट दिया, आउटपुट नहीं मिला। दैट वाज द मेन रीजन। इनपुट दिया, आउटपुट नहीं मिला, इसीलिए आपको गुस्सा आ गया। लाइट के जाने से या हमारे सेव करने से, सेव नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क कहां पड़ा? हमने इनपुट दिया था सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक, लेकिन हमें आउटपुट नहीं मिला। दैट वाज द रीजन कि आपको गुस्सा आ गया, ठीक है? तो प्यारे दोस्तों, प्यारे छात्र छात्राओं, आप एग्जाम में बिल्कुल डरे नहीं। ये एग्जाम आपके, आपका असेसमेंट है, आपका लाइफ डिसाइडर नहीं है, या आपका लाइफ डिसाइड नहीं कर रहा। ये सिर्फ आपने पूरी साल क्या पढ़ाई करी वो असेसमेंट है, सिर्फ वो हम जानना चाहते हैं और वो आपके पेरेंट्स जानना चाहते हैं। तब आप कहोगे तो ये बोर्ड एग्जाम क्यों नाम रखा गया? तो इसीलिए रखते हैं इसका बोर्ड एग्जाम नाम। बोर्ड कंडक्ट करती है एग्जाम कि पूरी इंडिया में 10th क्लास के इतने बच्चे हैं उसमें आपकी क्या पोजीशन रहती है, ठीक है? एक बैनर यहां पे बनाते हैं कि क्लास 10th तक हमने पढ़ लिया, क्लास 12th तक कंप्लीट कर लिया। पूरी इंडिया बेसिस पे आपको पूरे इंडिया में एक लेवल लगा दिया कि हम 10th पास हो गए, 12th पास हो गए, और कुछ भी नहीं है, ठीक है?
एग्जाम में आप आराम से जाओ, आराम से लिखो, लिखने के टाइम आप सब कुछ भूल जाओ, पापा मम्मी दादा दादी मौसा मौसी कोई रिलेशन नहीं, कोई दोस्त नहीं, आई एम द ओनली वन इन दिस यूनिवर्स, मैं और सिर्फ मैं और सबसे अच्छा मैं जो लिख रहा हूं वही सही है, आप जो लिखो उस समय आप देखो, बाद में डिसाइड होगा आपको कितना मार्क्स आना है नहीं आना है। हमने फुल कॉन्फिडेंस रखने के साथ साथ फुल कॉन्फिडेंट होते हुए आपको आंसर करने हैं और आपका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा होगा, ठीक है। आप मेहनत कीजिए, मेहनत का मतलब ये नहीं है कि दिन रात लगे रहना है, एक प्लान्ड वे में आप पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक। एग्जाम के लिए, एग्जाम के टाइम पे एग्जाम के लिए पढ़ना होता है, एग्जाम बेस्ड पढ़ाई करनी है, अच्छे से करना है और टू द पॉइंट आपको पढ़ाई करके एग्जाम देना है, एग्जाम से डरना बिल्कुल नहीं, वो आपको मार के खाएगा नहीं, वो आपका लाइफ डिसाइड नहीं करेगा। अगर एक एग्जाम में थोड़े से कम नंबर आ गए या आप फेल हो गए, आप फिर से लाइफ एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, लेकिन लाइफ रहेगी तब तो। अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, अगर वो सुसाइड नहीं किया होता, नेक्स्ट ईयर इंप्रूवमेंट दे देता, दोबारा से एग्जाम देता उसी क्लास का, तो क्या होता, उसे 98 की जगह 100% मार्क्स भी आ सकते नहीं, या फ्यूचर में वो और अच्छा कर सकता था, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया, उसकी लाइफ ही नहीं रही, तो क्या करेगा वो, कुछ नहीं कर सकते। तो अगर हम हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, एंड मैन इज द ओनली दैट कैन डू एनीथिंग, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही ऐसी कार्य है जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप अपना अच्छा हमेशा करें, सबसे अच्छे की बात कभी ना सोचें, सबसे अच्छे आप ही, डू योर बेस्ट, डोंट थिंक अबाउट द बेस्ट, यू विल बी द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।